हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि अलीना को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद, उसकी फैमिली को बुलाने के बाद, यीशु बोल के जाती है कि जब अलीना होश में आ जाएगी तो मैं घर आके मिलूँगी, फिलहाल मैं घर जाती हूँ। ये कह के वो अपने घर आ जाती है, घर आके बैठती है और सोच रही होती है कि तभी उसकी मम्मी और पापा घर में एंटर होते हैं और देखते हैं कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। तो कहते हैं ये क्या हुआ है, तो कहती कुछ नहीं, पापा बताया था ना अलीना ने सुसाइड करने का ट्राई किया, तो बस उसी को हॉस्पिटल लेके गई तो वहीं से दाग धब्बे लग गए। तो उसकी मम्मी कहती है तुम्हें हर जगह समाज सेवा करना ज़रूरी हो जाता है क्या। तो कहती है मम्मा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें किसी की बेटी है ना मम्मा, और सोचो यही चीज़ मेरे साथ हो जाती, मैं ऐसा कर देती फिर क्या तब भी आप यही बोलते। अगर कोई मेरी हेल्प करता तो। उसकी मम्मी चुप हो जाती है, उसके पापा आके कहते हैं वाह यीशु तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, टाइम टू टाइम इतनी ज़्यादा समझदार कब से हो गई हो। तो कहती है कि बस पापा संगत का सर, कहते हैं इसकी संगत का सर, आपकी पापा आप ही की संगत का सर होगा ना, और किसके संगत का सर होगा, और किसी की संगत का सर नहीं है, सिर्फ आपकी संगत का सर है। कहते हैं अच्छा जी, कहते हैं हाँ जी सिर्फ और सिर्फ आपकी संगत का सर। तो उसके पापा कहते हैं क्या बात है, कहते हैं हाँ anyway, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, उसके बाद मुझे भूख लगी बहुत ज़ोर से, मुझे खाना खाना है। तो उसकी अम्मा कहते हैं जाओ फ्रेश हो के आओ तभी तो खाना मिलेगा। कहती है हाँ जानती हूँ फ्रेश हो के नहीं आऊँगी तो आप मुझे खाना नहीं दोगे, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। कहती हैं ओके अच्छी बात है, अगर तुम्हें पता है जाओ फिर फटाफट फ्रेश हो के आओ। वो जाती है फ्रेश होके आती है और फ्रेश बैठे बैठे बार बार उसके दिमाग में अलीना का ख्याल आ रहा होता है कि उसने ऐसा किया क्यों, आखिर ऐसा हो क्या गया कि उसने सुसाइड कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रही बात, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, अपने आप में रहती थी, फिर ऐसा क्या हो गया जो इसने सुसाइड करने का फैसला ले लिया, आखिर कैसे और क्यों। बट आखिर क्या अब ये सब तो उससे पता, उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा ना, जब तक उससे मिलूंगी नहीं तब तक बस मैं अटकलें लगाती रहूँगी। तो थोड़ा सा शांत रहो, शाम तक क्या पता वो डिस्चार्ज हो जाए और उसके बाद जाके पता करते हैं कि क्या हुआ है। ये सोच के वो चुपचाप बैठ जाती है, अपना ध्यान इधर उधर भटकाने लगती है। तभी उसकी मम्मी खाना लेके आती है और कहती है लो खाना खाओ। कहती है धन्यवाद हमें खाना देने के लिए, आपको हमारा ख्याल तो आया। उसकी मम्मी कहती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो आजकल। तो हंसती है और कहती है आप ही से सीखा है। उसकी मम्मी उसका सर पर मारती है, कहती है बहुत सामान लाने लगी हो,
संगत किसकी पड़ गई है तुम्हारी, तुम इतनी बदतमीज होते जा रहे हो। तो कहती आपकी, कहते देख लो। तो हंसते यार, कहते अम्मा मजाक कर रहे थे, सॉरी ना, क्या कह के वो खाना खाने लगती है। लेकिन उसे खाना भी बेस्वाद लग रहा होता है, उसके दिमाग में तो बस अलीना का ख्याल चल रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसे भी उसकी क्या मजबूरी हो गई थी। तभी उसका फ़ोन बजता है, अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो रविया का कॉल होता है। वो फ़ोन उठाती है, रविया उधर से कहती है कि घर पहुंच के फ़ोन करना होता है या नहीं। तो यीशु कहती है अब खाना खा रही थी फिर करती। तो रविया कहती है कि ओके ओके खा लो फिर बाद में बात करते हैं। कहते कोई नहीं, अब फ़ोन किया है तो बात कर लो, क्या दिक्कत है। कहते हैं नहीं तुम खाना खा रही हो, खा लो। कहते कर लो बात, कोई परेशानी नहीं है, आप बात करते करते भी खाना खा सकते हो। तो रविया कहते हैं हाँ इसीलिए तो तुम्हारी बॉडी में खाना लगता ही नहीं है, सूखती जा रही हो तुम, पता है। तो यीशु कहते हैं मैं कोई सूख सूख नहीं रही हूँ, तुम ज़्यादा मोटी हो रही हो बस। तो रविया कहती है क्या बोलो तुमने, मैं मोटी हो रही हूँ। कहती हाँ तुम मोटी हो रही हो, इतनी मोटी होती जा रही हो, मुझे मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाती हूँ। पहले पता है मैं तुम्हें कितने आराम से उठा लेती थी, सोचा है कभी इस बारे में, और अब तुम्हें उठाती हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ही ना उठ के जाऊँ दुनिया से। तो कहती है तुम्हारी ऐसी की तस्वीर, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। तो यीशु हंसती और कहती है क्या इतना चिड़चिड़ कर रही हो, मजाक कर रही थी मैं तुम्हें चढ़ाने में, पता है ना मुझे कितना मज़ा आता है, उसके बावजूद तुम चिड़ती रहते हो, क्यों चिड़ती हो इतना, क्या हो क्या जाता है तुम्हें। तो रविया कहते अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अलीना कैसी है जिसके पीछे तुम भाग के गए थे। कहती है हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर कह रहे थे कि सब ठीक है, पट्टी वट्टी कर दी है, होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे, देखो कब तक आते हैं होश में। चलो ठीक है ना, वो तुम टेंशन फ्री हो ना। कहती टेंशन तो मुझे अभी भी है। तो रविया कहती अब किस बात की टेंशन है तुम्हें। कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने सुसाइड किया क्यों। रविया तुम्हें नहीं पता बट वो ना बहुत खुश मिजाज लड़की थी, बहुत ज़्यादा। सुसाइड वसाइड का तो उसका दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, फिर उस लड़की ने सुसाइड कैसे कर लिया, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो कहती है अब तुम इस पछड़े से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है ना यीशु। तो यीशु कहती है यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम कुछ सोचो, जिस उस लड़की को तुम बचपन से जानती हो, तुम्हारे मोहल्ले की हो, तुम उसे जानते हो कि कितनी खुश मिजाज लड़की है, सडन वो ऐसा कुछ करने लगे तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। कहती है कि होगी लेकिन मैं इन चीज़ों में इतना नहीं पढ़ूंगी। कहती होगी ना टेंशन, वो तो तुमने एक्सेप्ट किया है ना, तो बस। और रविया ज़रूरी नहीं ना कि दो लोग एक जैसे हों, दोनों लोग अलग अलग भी हो सकते हैं, लाइक यू लाइक मी। तो कहती है ठीक है यार, तो मैं जो सही लगे करो, फाइनल फ़िलहाल मैं सोने जा रही हूँ। कहती है अभी से, कहती हाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर अब आराम करूँगी, ठीक है। तो कहती है कि ठीक है। खैर शाम हो जाती है और यीशु जो है अलीना के घर फ़ोन करती है, तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि हम उसे कल घर लेके आएंगे, आज तो डिस्चार्ज नहीं मिला है, कल लेके आते हैं। कहती है ठीक है। वो रात बीतती है और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है,
ये लोग कॉलेज आते हैं, ईशू कॉलेज हाफ डे तक अटेंड करती है, और उसके बाद राबिया से बोल के कि मेरे सर में दर्द है, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो राबिया कहती है मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, दवाई दिला देती हूँ तुम्हें। तो ईशू कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ राबिया, तुम अपना कॉलेज अटेंड करो, मेरे को जाने दो, मैं जाके आराम करूँगी, सोऊँगी थोड़ी देर तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो राबिया कहती है कि ठीक है। ईशू जो है वहाँ से चली जाती है अपने घर, और जाके थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाती है, आँख लग जाती है उसकी, और करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। वो उठती है, घड़ी में टाइम देखती है और अपना फ़ोन ढूंढती है। फ़ोन ढूंढ के वो अलीना के घर पर फ़ोन करती है, और उसके पापा को, उसके पापा से पूछती है कि अलीना आ गई घर? तो कहते हैं आ गई है। तो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ मिलने। तो कहते हैं कि ठीक है आ जाओ। हो जाती है, अलीना के घर पहुँचती है, अलीना लेटी हुई होती है अपने रूम में। तो उसके मम्मी पापा से पूछते हैं तो बताते हैं। वो जाती है रूम में और डोर नॉक करती है, तो अलीना की आँख खुलती है, वो डोर की तरफ देखती है। इतने में ईशू अंदर घुसती है और अलीना चुपचाप वहाँ बैठी हुई होती है। ईशू अलीना की तरफ देखती है और कहती है कि ये कांड क्यों किया है आपने, क्या मैं जान सकती हूँ? तो अलीना कहती है कि कुछ नहीं बस ऐसे। तो ईशू कहती है वाह, कोई बस ऐसे भी अपनी जान लेने की कोशिश कर सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात का कि तुम ऐसे ही अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। वाकई क्या बात है, क्या छुपा रही हो? मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानती हूँ लेना, हम भले ही एक दूसरे से ज़्यादा बातें ना करते हो, लेकिन इतना तो पता था कि तुम कैसी हो, किस मिजाज के इंसान हो। तो अगर ऐसा कोई कांड तुमने किया है तो ज़रूर बात कोई बड़ी होगी, तो प्लीज़ बताइए क्या बात है जिसकी वजह से आप इतना बड़ा कांड करने के लिए मजबूर हो गई, जानना चाहते हो मैं। और अलीना झूठ मत बोलना, इवन तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं पता है कि तुमने ऐसा किया क्यों, प्लीज़ बताओ कि क्या बात है, तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।